नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 29 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपणे जुहवते प्रणाम, प्राणे पनाम तथा पड़े प्रणापना गति रुद्वा प्राणायामा परायणा अपरे नियता हरा प्रणान प्रणेशु जुवती। स्टिल अदर्स हु आर इंक्लाइन टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेथ रेजिस्टेंट टू रिमेन इन ट्रांस practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing and thus at last remain in trance stopping all breathing. Others curtailing the eating process offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. तो ये वाला जो ब्रेथ टेकिंग के ऊपर है, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि एक कुछ लोग अपने जीवन जीने के तरीके को रेस्ट्रिक्ट करके उसको अपने आप को ट्रांसेंडेंटल बनाते हैं। कुछ लोग योग प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ लोग सिर्फ कृष्ण का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ब्रेथ टेकिंग का जो प्रैक्टिस मैंने बताया था कि अजीब बात है कि ये श्लोक रिकॉर्ड करने के बाद एक दिन मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी कोई भी श्लोक। तो उस दिन मैं कुछ यूट्यूब में वीडियो कभी कभी देखती हूँ, तो उसमें मैंने ब्रेथ के ऊपर कोई एक वीडियो देखा जहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हो तो अपने माइंड को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हो। स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस में अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना, अपने क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर दिमाग को शांत करने की बहुत सारे तरीके समझाए जाते हैं एंड उसमें से ब्रेथ को कंट्रोल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है जिससे कि आप अपने पूरे सेंसेस को ही कंट्रोल कर सकते हो। सो इट इज़ सेम और सिमिलर आई वुड से टू दी वीडियो दैट आई हैड सीन। वहाँ पे बताया जा रहा था 10 से 15 सेकेंड आप धीरे धीरे करके ब्रेथ लो, 10 से 15 सेकेंड उसको अंदर होल्ड करो एंड 10 से 15 सेकेंड लेके उसको बाहर छोड़ो। जैसे कि मुझे 10 से 15 सेकेंड नहीं हुआ, 5 सेकेंड में ही मैंने किया पूरा। तो ये प्रैक्टिस का बात है कि आप 10 से 15 सेकेंड लेके पूरा ब्रेथ लो। उतना टाइम लेके ब्रेथ हम ले ही नहीं पाते, लेकिन कोशिश कर सकते। जैसे मैंने एक बार किया, आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो ऐसे। ऐसे आप लगातार अगर 4-5 मिनट करोगे ना, दिमाग ऐसे ही रिलैक्स एंड शांत हो जाएगा। सो उसमें नींद जैसा भी आ जाता है उस टाइम पे, ठीक है। सो इसको करके देख सकते, प्राणायाम करना। मुझे तो प्राणायाम करते ही थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। कपालभाति बोलिए या अनुलोम विलोम जो होता है ना, ये सब करने से मुझे थोड़ी देर में नींद आ जाती है। सो यही वाला स्टेट है कि आप ट्रांस वाले स्टेट में आ जाते हो, थोड़ी निद्रा वाले स्टेट में आ जाते हो जहाँ पे आपको कुछ भी होश नहीं रहता कि क्या हो रहा है चारों ओर। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayama and in the beginning it is practiced as the hatha yoga system through different sitting postures. बहुत अलग अलग तरीके से बैठ के, जैसे कि आप पैर को फोल्ड करके जो क्या बोलते हैं हिंदी में, आलती पालती लगा के बैठना, वैसे करके बैठते हो एंड जब आप सांस को अंदर लेते हो ना तो पेट को फुला लेना। तो उसमें क्या होता है, मतलब क्योंकि मेरी मदर एक योगा टीचर है, वो बचपन से योग करती आ रही है। उन्होंने बहुत सारे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जब वो यंग थी उन्होंने कम्पीट करके मेडल्स भी जीता एंड उसके साथ साथ वो एट प्रेजेंट योगा सिखाती भी है बहुत साल से। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेती है, तो मैं उनके साथ में करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो वो जब सुबह सुबह क्लासेस कराती है ऑनलाइन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन, तो उनके साथ में बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो जैसे बोला गया है कि एक सिटिंग पोस्चर होता है, ऑल दीज प्रोसेसेस आर रिकमेंडेड फॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड फॉर एडवांसमेंट इन द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। जितना ज़्यादा आप योग करोगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आपको हेल्प होगा।
दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व कंट्रोलिंग द एयर्स विद इन द बॉडी सो एज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ देयर पैसेज. द अपाना एयर गोज डाउनवर्ड एंड द प्राणा एयर, प्राणायाम हम बोल रहे हैं ना, तो अपाना एयर एक बोला जा रहा है और प्राणा एयर गोज अप. द प्राणायाम योगी प्रैक्टिस ब्रीदिंग द ऑपोजिट वे अंटिल द करेंट्स आर न्यूट्रलाइज इंटू पूरा का इक्विलिब्रियम. इसलिए जब सांस लेंगे तो सांस अंदर जा रही है तो पेट फूलना चाहिए, तो पेट को फुला लीजिएगा. जब छोड़ रहे हैं तो खत्म, मतलब सांस सारी निकल जाना चाहिए, तो पेट को अंदर कर लीजिएगा. तो इस तरीके से ऑफरिंग द एग्जल्ट, अभी कुछ कुछ वीडियोज में हमें देखते हुए बोलते हैं कोई भी तरीके से करिए, बट कोई भी तरीका तरीका नहीं होता है, तरीका होता है उस तरीके से ही करना चाहिए, ठीक है. तो ऑफरिंग द एग्जल्ट ब्रेथ इनटू द इनहेल्ड ब्रेथ इज कॉल्ड रेकाका, ठीक है. जो छोड़ रहे हैं ब्रेथ, ऑफरिंग द एग्जल्ट ब्रेथ इनटू द, मतलब छोड़ के ही उसको ही वापस ले रहे हैं ना, इनहेल ब्रेथ उसी को ले रहे हैं रेकाका. व्हेन बोथ एयर करेंट्स आर कम्प्लीटली स्टॉप्ड वन इज सेड टू बी इन कुंभक योगा. मतलब आपने जब सांस को अटक के रखा है, मतलब आप छोड़ भी नहीं रहे हो ले भी नहीं रहे हो, उस वाले स्टेट को कुंभक योगा बोलते हैं. बाय प्रैक्टिस, जो सांस पकड़ के रखने वाला जो पार्ट है, बाय प्रैक्टिस ऑफ कुंभक योगा वन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ फॉर परफेक्शन इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. यही सबसे ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा आप सांस को इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना, सांस को पहले लेना ऑलमोस्ट 30 seconds के आसपास था ना. सो ऐसे ही करना, ठीक है. मतलब जितना ज़्यादा आप इसको रोक पाओगे ना, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके दिमाग में आ जाएगी. सो इस चीज़ को करना. नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंट योगी इज इंटरेस्टेड इन अटेनिंग परफेक्शन इन वन लाइफ विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट. तो वो वेट नहीं करते कि अगले जन्म में, जैसे हमारे फ्लैट में एक केयर टेकर है, तो वो एक्चुअली कैसे केयर टेकर है मैं बता रही हूँ. वो पार्ट टाइम केयर टेकर है, मतलब 2-3 घंटे के लिए आते हैं, पंप चलाते हैं, नीचे का सब कुछ देखते हैं, फिर वो लेबर का भी काम करते कहीं और, तो वो चले जाते हैं. अभी उनके पास लेबर का काम नहीं रहता है, तो नीचे बस बैठे रहने के अलावा कोई और काम नहीं होता, क्योंकि हमारे फ्लैट में तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं. यहाँ पे मतलब बिग है फ्लैट, ओपन स्पेस भी काफ़ी सारा है, एंड 7 families रहते हैं. सो अपार्टमेंट में वो पौधों को कभी कभी पानी देना, ये वो तो मैं भी करती हूँ, तो वो भी कभी कभी करते हैं. तो मैंने उनको पूछा कि आप, वो बोल रहे थे आज बहुत लेट कोई एक काम है, तो बैठे रहने के अलावा कुछ और है नहीं. और वो कभी कभी मोबाइल देखते हैं, तो क्या ज़्यादा देखेंगे, उसमें भी इंटरेस्ट रुचि नहीं आती. सो मैंने उनको बोला कि आप क्यों ना कृष्ण का नाम करें, तो उन्होंने बोला मेरा उम्र नहीं हुआ है कृष्ण का नाम करने का. मैंने बोला मैं आपसे इतनी छोटी हूँ, मैं कर रही हूँ तो मेरे को उम्र हो गया. तो वो बोलते तुमको तो देख के लगता है तुम वैरागी जैसी दिखती हो, साधु जैसी हो, तुम साधु बन गई हो, तुम जिंदगी में तो तुम मतलब तुमको कुछ करना नहीं है संसार वगैरह. मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, आप संसार करो चाहे नहीं करो, उसमें आपका इसके साथ में कोई रिश्ता ही नहीं. देखिए इंसान के दिमाग में कंसेप्ट क्या है कि आप अगर, मतलब मैंने और भी एक दो जन से पूछा, सभी ने यही बोला कि टाइम नहीं है. तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे बैठे जब रह रहे हो कितना सारा टाइम रहता है करने के लिए, अब चुपचाप बैठे हो उस टाइम पे कर लो जैसे वो बैठे रहते हैं. तो वो अभी बोल रहे कि उम्र नहीं हुआ. कोई बोलते हैं कि मैं वृद्ध हो जाऊँगी या हो जाऊँगा तब मैं करने के लिए रेडी हूँ. तो मैंने उस टाइम बोला कि अगर आप उतने देर तक जीवित ही ना रहे, पहली पॉइंट, भगवान ना करे बट हो ही सकता है, या सेकेंड पॉइंट आप बीमार हो गए, हो ही सकता है, तो कुछ ऐसा हो गया तो आपको फिर मौका ही नहीं मिला कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअलिटी वृद्ध उम्र में होने की काम नहीं है. इस ज़िंदगी में हम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतना इंट्यूटिव स्किल्स बढ़ जाता है, उतना आपको समझ में आने लगता है कि यही होने वाला है, गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है.
आप ना भविष्य को समझ पाते हो, संकेत आते हैं आपको कि यही करेक्ट डिसीजन है, ये रॉन्ग डिसीजन है। तो जिंदगी में बहुत सारे चरण आपके लिए सरल हो जाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी को करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक वृद्ध इंसान, मतलब हमने ना हमेशा साधु लोगों को वृद्ध साधु देखा है, इसलिए ऐसा दिमाग में मतलब हमेशा नहीं, बट बहुत सारे जगहों पे पिक्चर्स में गए कि ऋषि मुनि होते हैं तो वो वृद्ध होते हैं, इसीलिए लगता है कि वृद्ध लोग के पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा सही नहीं है, जो वृद्ध इंसान के पास भी ज्ञान ना हो और यंग इंसान के पास भी ज्ञान हो, ऐसा हो ही सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। सो कभी भी ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कभी नहीं सोचते कि अगले चरण में, अगले समय में, या अगले जिंदगी के अगले हिस्से में, या फिर अगले जन्म में जाके करेंगे। वो जिस टाइम पे जो समय मिलता है उतने टाइम में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट, फॉर बाय प्रैक्टिसिंग कुंभक योगा द योगीज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बाय मेनी मेनी ईयर्स। अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हाउ एवर बींग ऑलवेज सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। जो कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं वो अपने सेंसेस को वैसे ही कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत शांत हो जाता है। His senses being always engaged in the service of Krishna have no chance of becoming otherwise engaged। ये बात फिर उन्होंने बताई जो जिनको मैंने बताया कि आप चैंट कर सकते हो, कि हाँ ये तो अच्छा चीज़ है कि दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, वृथा चिंताओं में नहीं फंसेगा और खराब सोच दिमाग में नहीं आएगी, एक जगह पे ही दिमाग सही डायरेक्शन में रहेगा। सो ये बात उन्होंने बताई, तो यही चीज़ है कि आपका दिमाग जो रहेगा वो सही सोच के साथ में रहेगा। His senses all अच्छा सो एट द एंड ऑफ लाइफ ही इज नेचुरली ट्रांसफर टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कंसिक्वेंटली ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज हिज लॉन्गजिविटी। ही इज तो वो उनको वापस से जीवन में, क्योंकि कृष्ण अगर सोर्स एनर्जी है और उन्हीं में सम्मिलित होना है, तो जिंदगी भर कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, उनको कृष्ण का इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी लत लग जाता है, या फिर इतना ज़्यादा मोह हो जाता है कृष्ण के प्रति कि उनके तरफ जाना ही मन करता है, वापस इधर आने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझने का मन ही नहीं करता। क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दिमाग में सोचोगे ना, वही चीज़ पाने की इच्छा रहेगी। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के बारे में या ईश्वर के बारे में सोचोगे तो उसी वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करोगे एंड उसी प्लेन में आप चले जाओगे। ही एट वंस इज रेज्ड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन एज स्टेटेड इन भगवद गीता। मम च यो भ्याविचरण चरेना भक्ति योगेण सेवते सा गुणान समातीत्यायितन ब्रह्म भूयया कल्पते। वन हु एंगेजेस इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉ टू द लॉर्ड ट्रांसेंड्स द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड इज इमीडिएटली एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बिगिन्स फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल स्टेज एंड ही इज कॉन्स्टेंटली इन द कॉन्शियसनेस, देयरफॉर देयर इज नो फॉलिंग डाउन एंड अल्टीमेटली ही एंटर्स इन टू द अबोड ऑफ द लॉर्ड विदाउट डिले। The practice of reduced eating is automatically done, and when one eats only Krishna Prasadam or food which is offered to the Lord, reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control, there is no possibility of getting out of the material entanglement. तो क्या होता है, लोगों को खाने पीने की इच्छा कम हो जाती है, तो वो थोड़ा कंट्रोल स्वभाव के हो जाते हैं, बार बार खाना खाना थोड़ा सा हमारे अंदर ना वो मोह माया की एनर्जीज को, या फिर ये चाहिए वो चाहिए वाला एनर्जीज को इंक्रीज करती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो भूख लगेगी तो आपको खाना पड़ेगा, अगर आप कम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो फिर आप कम खाओगे, जितना आपके शरीर को ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप खाओगे एंड उसमें आप सेल्फ कंट्रोल को पालोगे। अभी कहीं को किसी को बोला नहीं जा रहा आपको ज़िंदगी के तरीके को बदलना है, आपको बस अपने आप को रिलैक्स करना है, सॉफ्ट बना के रखना है, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना है एंड पेशेंस के साथ में सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता को वृद्ध करनी है, इतना ही बोला जा रहा है। यहीं तक था श्लोक नंबर 29 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम श्लोक 30 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे जय श्री राम।